हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा IBPS क्लर्क प्री का एग्जाम होने वाला है उसके लिए क्लास नंबर 11 होने वाली है। इससे पहले हम लोग 10 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपको वीडियोस देखनी हो तो चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्रॉपर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आपको सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, मैथमेटिक्स और रीजनिंग की भी, और इंग्लिश क्लासेस की जितनी भी हमारी वीडियोज़ हुई हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार आप लोग प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में देखिएगा, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एवरेज यानी कि औसत, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपके 10 क्वेश्चन लगभग अरिथमेटिक के आते हैं, तो वहाँ से एक से दो क्वेश्चन आपके एवरेज के पूछे जाते हैं, और ये हर एक शिफ्ट में आते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी कभार आते हो, एवरेज के आपको हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या कहें, इसमें इंपॉर्टेंट है एक तो हमारे स्टूडेंट और टीचर वाले जो सवाल होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कंप्लीट वीडियो, 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में सॉल्व करने वाला हूँ और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए, IBPS के पास ना एवरेज को लेकर बहुत ज़्यादा तरीके के सवाल नहीं है, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 से 5 तरीके के, यानी कि 4 से 5 पैटर्न के क्वेश्चन ही फॉलो करता है। और पिछले 3-4 साल के आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, लगभग इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो सारे के सारे हम लोग देख लेते हैं आज, और उसके बाद में आपको क्या करना है, कभी भी गलत नहीं करना है एवरेज का क्वेश्चन। चलिएगा, हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, समय हमारे पास में बहुत कम बचा है, 20 दिन से भी कम समय हमारे पास में है अब। तो अब क्या करना है, हमें अब बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना शुरू कर देना है। मॉक टेस्ट तो हमें लगाने ही पड़ेंगे। देखिए, मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो उसके दो फायदे मिलेंगे आपको। पहली चीज़, आप अपनी स्पीड को इनक्रीज़ कर पाओगे। दूसरी चीज़, आप अपना टाइम मैनेजमेंट देख पाओगे कि आप टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तीसरी चीज़, आप ये चेक कर पाओगे कि कौन से क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं एग्ज़ाम में। स्किप नहीं करने हैं, स्किप तो बाद का काम है। आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि कौन से क्वेश्चन को पहले अटैम्प्ट करना है और कौन से क्वेश्चन को बाद के लिए छोड़ना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मॉक टेस्ट से ही क्लियर हो पाती हैं। अगर आप मॉक टेस्ट लगाकर नहीं जाओगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा इस चीज़ का। सडनली एक एग्ज़ाम देते हो तो उसमें आप इतना ज़्यादा स्कोर हो सकता है कि नहीं कर पाओ, तो इसलिए मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है। कौन से लगाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, परीक्षा ऐप के मॉक टेस्ट आप यूज़ कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करने का लिंक दिया है। ये जो कूपन कोड लिखा हुआ है GRAHAM GO V40, इस कूपन कोड को अगर यूज़ करते हो तो आपको 40% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। IBPS क्लर्क प्री की बेस्ट टेस्ट सीरीज़ होने वाली है आप लोगों के लिए। बेस्ट पार्ट क्या है इसका, एक तो आपको एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, प्री का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसी लेवल के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा, आप मोबाइल फ़ोन से भी इसको लगा सकते हो, किसी लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत भी आपको नहीं है। तो टेस्ट सीरीज़ अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हो तो आप लोग परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और एक तो फ्री टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, तो वो तो लगा लीजिएगा आप लोग। चलेगा, चलते हैं आज के क्वेश्चंस के ऊपर। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप का आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप की डिटेल मैंने नीचे लिखी हुई है, और साथ ही साथ में अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाह रहे हो तो इंस्टाग्राम की डिटेल भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है। बहुत से लोग इंस्टाग्राम पर भी जुड़े हुए हैं, तो अगर आप जुड़ना चाह रहे हो तो वहाँ पर जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। चलेगा, क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। अब देखिए क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले जब मैं सॉल्व करवाना स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, उससे पहले आप लोगों को वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन को, और उसके बाद में देख लेना है कि क्या कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो करेंगे इन तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो पहला जो क्वेश्चन है वो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। वो बोल रहा है कि 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। पूरी कक्षा का औसत भार 48.4 kg है। यदि लड़कियों की औसत वजन 44 kg है तो लड़कों का औसत वजन क्या होगा। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब जितनी भी लड़कियां होंगी उनसे 4 ज़्यादा कौन है, लड़के हैं। द एवरेज वेट ऑफ द एंटायर क्लास इज 48.4 kg, पूरी की पूरी क्लास का जो एवरेज वेट है वो लिखा हुआ है 48.4 kg। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ गर्ल इज 44 kg देन वॉट इज़ द एवरेज वेट ऑफ बॉयज़। तो बॉयज़ का आपको एवरेज वेट फाइन करना है। आप लोगों ने आई होप ट्राई कर लिया होगा क्वेश्चन को, तो चलेगा आप लोगों को क्या करना है, मैच कर लेना है अपना तरीका भी और अपना आंसर भी। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि टोटल कितना यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल कितने स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट थे, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया टोटल स्टूडेंट है 40। अब देखिए, मैंने मान लिया कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियाँ जो है ना वो कितनी हैं, वो एक्स हैं। टोटल तो 40 स्टूडेंट हैं, लड़कियाँ कितनी हैं, एक्स हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे, x+4। यही तो उसने बोला है कि लड़कियों से 4 ज़्यादा, तो x+4 हो गए। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि x और x+4 इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये 40 के बराबर आ जाएंगे,
क्योंकि ये नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं, ये नंबर ऑफ़ बॉयज़, दोनों को ऐड कर दूँ तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आ जाएंगे, तो ये 40 के बराबर आ गए। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, कितने आ जाएगी 18। तो अगर एक्स 18 है, इसका मतलब अगर लड़कियाँ 18 हैं तो लड़के कितने हो गए, 22 हो गए। यहाँ तक आपने आपको सॉल्व करना है पहले, और उसके बाद में क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अब आपको क्या बताना है, उसने बोला है कि पूरी क्लास का जो एवरेज वेट है वो 48.4 केजी है। तो पूरी क्लास का अगर वेट जो है 48.4 केजी है, तो टोटल स्टूडेंट कितने 40, तो टोटल वेट कितना हो गया 1936 हो गया। अब टोटल वेट ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का टोटल वेट कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है 18, और इनका एवरेज कितना दिया हुआ है 44 दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 792। तो टोटल वेट आ गया मेरे पास में और लड़कियों का वेट आ गया मेरे पास में। तो अगर टोटल वेट में से मैं लड़कियों का वेट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में 1144 बचेगा, और ये बचेगा लड़कों का टोटल वेट, जो जितने भी बॉयज़ हैं उनका टोटल वेट बचेगा। अब उनका एवरेज मुझे बताना है, तो टोटल वेट में मैं नंबर ऑफ़ बॉयज़ से डिवाइड कर दूंगा, सिंपल है। 22 से मैंने डिवाइड किया तो 52 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, करेक्ट। छोटे से कॉन्सेप्ट है ये, आपको दिख रहा होगा कि बहुत बड़ा है, बट आप जैसे ही समझ जाओगे इस क्वेश्चन को तो ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ये 40 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये x और x प्लस 4 आप मन से लिख पाओगे कि लड़की अगर x है तो लड़की x प्लस 4 हो गए, तो दोनों को आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन। तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया, x की 18 आ गया, तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ बॉयज़, बस इनको एक बार सॉल्व करना है और आपका आंसर आ गया, क्लियर है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, क्वेश्चन देखिएगा, वो बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 57.8 है, पहली और दूसरी संख्या का औसत 77.5 है, चौथी और पांचवी संख्या का औसत 46 है, तो तीसरी संख्या क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। द एवरेज ऑफ फाइव नंबर इज 57.8, कोई भी फाइव नंबर है उनका क्या एवरेज दिया हुआ है 57.8। द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 77.5, द एवरेज ऑफ द फोर्थ एंड द फिफ्थ नंबर इज 46, व्हाट इज द थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्या होगा, ये चीज़ आपको बतानी है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है खुद से, और अगर कर लिया तो चलिएगा, हम लोग भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा टोटल ऑफ नंबर्स, देखिए टोटल कितना हो जाएगा नंबर्स का, पांच संख्याएं हैं, पांच क्या है यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, तो टोटल ऑफ नंबर्स अगर मैं निकालूं तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ उनकी एवरेज को। तो अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया उनकी एवरेज को तो टोटल कितना आ गया 289, यानी कि वो जो पांच संख्याएं हैं, वो जो पांच नंबर्स हैं या पांच जो आपके डिजिट करके लिखे हुए हैं, उनका अगर आप सम करोगे तो 289 आएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब उसने बोला है कि पहले और दूसरी का एवरेज कितना है, 77.5 लिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, सम निकाल दिया फर्स्ट और सेकंड का। अगर एवरेज 77.5 है तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, दो ही हैं। तो मैं क्या करूँगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना हो गया 155 हो गया यहाँ पे, क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट आपको दिया है नंबर 4 और नंबर 5, यानी चौथी और पांचवी संख्या का औसत 46 दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, नंबर 4 और नंबर 5 को ऐड करूँगा तो 92 आ जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 46 को डायरेक्ट, क्लियर है यहाँ तक चीज़ है। अब देखिए, सम ऑफ ऑल नंबर्स अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये कितना है 289 है, अभी हमारे आया था। ये चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, ये चीज़ आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है। आप डायरेक्ट समझ जाओगे कि 1 और 2 का यहाँ पे, 4 और 5 का यहाँ पे, 3 का निकालना है। तो देखिए 1 और 2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 155 लिख सकता हूँ मैं, और 4 और 5 की जगह 92 लिख सकता हूँ। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो 247 आ जाएगा। और जो नंबर 3 है, नंबर 3 पे कौन सी संख्या आएगी, वो एज इट इज़ यहाँ पे 3 मैंने लिखा हुआ है। और टोटल कितना है इनका 289, तो बस इसमें से 247 माइनस कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 42। तो वो नंबर कौन सा है, 42 है। थर्ड प्लेस पे जो नंबर है वो कौन है, 42 है यहाँ पे, क्लियर है। अगर ये फर्स्ट सेकंड दे दे, थर्ड और फोर्थ दे के फिफ्थ पूछ ले, तो वो भी आप लोग इसी तरीके से निकाल सकते हो। चलिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, 14 लड़के तथा उनकी एक शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। कितने लड़के हैं, 14 लड़के हैं, और उनके एक शिक्षक की औसत आयु जो है, एवरेज एज जो है, वो 15 ईयर्स है। यदि शिक्षक की उम्र को बाहर कर दिया जाए, अगर टीचर को उस ग्रुप से बाहर कर दिया जाए, तो जो एवरेज है, जो औसत है, वो 1 से कम हो जाता है। यानी कि पहले एवरेज कितना था 15, और अब कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो शिक्षक की उम्र क्या है, तो टीचर की एज आपको फाइंड करनी है। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्री लेवल का। आप लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को खुद से एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अपना जो तरीका है उसको भी आप लोग मैच कीजिएगा, और अपना जो आंसर है उसको भी आप लोग मैच कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे 14 कौन है, बॉयज़ हैं, और एक कौन है, टीचर है। तो टोटल मिला के कितने हो गए, देखिए 14 बॉयज़ प्लस 1 टीचर, तो ये बी का मतलब बॉयज़ है, टी का मतलब टीचर है। 14 बॉयज़ हैं यहाँ पे और 1 टीचर है, तो टोटल कितने हो गए, 15 हो गए।
14 लड़की है और एक टीचर, 15 हो गई। और इनका एवरेज कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, तो मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इनका जो टोटल है एज का वो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर वो बोल रहा है कि अगर शिक्षक को हम लोग बाहर कर दें, टीचर को क्या कर दें, बाहर कर देते हैं। अगर टीचर को मैंने बाहर कर दिया तो मेरे पास बचे कौन, सिर्फ 14 बॉयज़, सिर्फ 14 बॉयज़, यहाँ पे 14 लिख दिया। और एवरेज जो है वो एक से कम हो जाता है, तो एवरेज पहले कितना था 15, तो अब कितना रह जाएगा 14, 14 रह जाएगा, तो 14 × 14 कर दूंगा तो 196 आ गया। यानी कि जो जितने भी बॉयज़ थे उनका सम कितना है 196, और अगर इसमें मैं टीचर को भी ऐड कर देता हूँ तो 225 आ जाएगा। तो अगर टीचर की एज मुझे चाहिए तो 225 माइनस 196 कितना हो जाएगा, 29 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इस तरीके के क्वेश्चन को, और इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, प्री एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ये भी देखिएगा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। 10 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी का औसत रन जो है वो 32 रन था, अपनी औसत को 4 रन से बढ़ाने के लिए उसे अपनी अगली पारी में कितना रन स्कोर करना होगा। द एवरेज ऑफ अ क्रिकेटर इन 10 इनिंग्स वॉज 32 रन, हाउ मेनी रन वुड ही हैव टू स्कोर इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स टू इंक्रीज हिज एवरेज बाय 4। तो ये यूँ पूछ रहा है कि 10 इनिंग उसने खेली तो एवरेज उसने हर इनिंग में रन बनाया 32, अब वो 11वीं इनिंग में कितने रन बनाए कि उसका जो एवरेज है वो 36 रन हो जाए। तो आपको 11वीं इनिंग में ये बताना है कि कितने रन उसको टोटल बनाने चाहिए। तो चलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, आप लोगों ने आई होप सॉल्व कर लिया होगा। देखिएगा सबसे पहले एवरेज कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, ये चीज़ आपको समझनी है, एवरेज 32 दिया हुआ है। टोटल स्कोर इन 10 इनिंग्स, अगर एवरेज 32 है तो 10 इनिंग्स में स्कोर कितना हो जाएगा, 320 रन, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। ये सब चीज़ें एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती, टी स्कोर इन टोटल स्कोर इन 10 इनिंग्स ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट आप लिखो 320, आपको पता है कि ये कितना है, 320 है टोटल स्कोर। अब क्या करना है, एवरेज को क्या करना है, 4 से बढ़ाना है, एवरेज को क्या करना है, 36 करना है। अगर एवरेज मेरी 36 है तो वो जो 11वीं पारी होगी ना उसमें भी एवरेज क्या काउंट होगा, 36 के अकॉर्डिंग काउंट होगा। तो टोटल अगर 11 पारी का मैं काउंट करूँ 36 के अकॉर्डिंग, तो टोटल कितना होना चाहिए, 396 होना चाहिए, और मैंने बनाए कितने हैं अभी तक, 320 बनाए हैं, तो कितने और बनाने होंगे, 76 और बनाने होंगे। कैसे करोगे, 396 में से 320 माइनस कर दो, तो 11वीं इनिंग में आपको क्या करना है, 76 स्कोर करना है, जिससे आपका जो एवरेज है वो 36 हो जाएगा। क्लियर है ये सब चीज़ें, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, और इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग इजीली कर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते, देखिएगा 5 देखिएगा, 8 व्यक्तियों का एक औसत वजन 2.5 किलो से बढ़ जाता है। कोई एक 8 व्यक्तियों का कोई समूह है जिसमें, एक समूह है जिसमें 8 व्यक्ति हैं, जिसमें उनका वजन जो है ना वो 2.5 kg से बढ़ जाता है। कब, जब एक नया व्यक्ति 65 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है, यानी कि एक आदमी उसमें ऐड हो जाता है, बट उनके ग्रुप से एक 65 kg वाला आदमी क्या चला जा, माइनस हो जाता है, मतलब कि वो चला जाता है, उसकी जगह पे एक दूसरा पर्सन आ जाता है, जिसके कारण एवरेज जो है वो 2.5 से इंक्रीज हो जाता है। तो वो बोल रहा है कि नए व्यक्ति का वजन क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 8 पीपल इंक्रीज बाय 2.5 व्हेन अ पर्सन वेटिंग 65 kg इज रिप्लेस बाय अनदर पर्सन, व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू पर्सन। तो नए आदमी का आपको ये बताना है कि वेट कितना होगा। चलेगा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, आई होप आप लोगों ने एक बार खुद से ट्राई कर लिया होगा क्वेश्चन को, और आप लोग अपना जो सॉल्यूशन है उसको मैच कर लीजिए। देखिएगा इस क्वेश्चन को ना मैं थोड़े से आपको ट्रिक से बताने वाला हूँ, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा इसको, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसका बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, और बेसिक से अगर आप करना चाहोगे तो भी इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, इसको समझो आप एक बार। देखो 8 पर्सन है यहाँ पे, तो मैंने उनको नंबरिंग दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये वाला 8 वाला है। अब देखिए इनके जो वेट है ना, एक्चुअल वेट, उनको मैंने नाम दे दिया कि ये 1 किलो का है, ये 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, और ये कितने का है, 65 किलो का। क्योंकि एक तो मुझे पता है इनमें से 7 को तो मैंने बस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिख दिया, लेकिन 8वें नंबर वाला जो था वो 65 kg का था, इसने मुझे दिया है ना कि 65 kg वाला व्यक्ति चला जाता है, छोड़ गया, यानी कि उसमें एक तो 65 वाला था, इसको मुझे हटाना है। अब देखिए 65 वाला यहाँ से हट गया, अब 65 वाला यहाँ से हट गया, और एवरेज जो है वो 2.5 से इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। एवरेज कब बढ़ता है, जब टोटल वेट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर टोटल वेट बढ़ेगा ना तो वो वेट 65 से तो ज़्यादा ही होगा, ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे अगर वेट, एवरेज वेट जो बढ़ रहा है तो टोटल वेट भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो 65 की जगह पे जो भी आया है उसका वेट 65 से तो ज़्यादा होने वाला है, क्लियर है यहाँ तक चीज़, चलेगा। अब क्या करना है उसको,
एवरेज को ज़ीरो बनाने के लिए, मतलब मान लीजिए कि वो उसने 65 वाला छोड़ के चला गया और एक नया पर्सन इसमें ऐड हुआ है और एवरेज मान लो कि 0 kg से बढ़ा है, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो छोड़ के जाने वाला और आने वाला दोनों कितने के हो जाते हैं? 65 kg के हो जाते हैं अगर फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है तो। लेकिन फ़र्क कितना हुआ है? 2.5 kg इंक्रीज़ हुआ है। तो वो क्या करेगा, 65 तो उसने यहाँ पे दे दिया इक्वल बनाने के लिए, अब क्या करेगा वो एवरेज वेट 2.5 से इंक्रीज़ हो गया तो वो सबको क्या करेगा, 2.5 सबको दे देगा और एवरेज वेट को 2.5 से इंक्रीज़ कर देगा। तो वो क्या करेगा, 2.5 को 8% में डिवाइड करेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और आठवां खुद में भी तो 2.5 उसको और ऐड करना पड़ेगा अगर उसको सबके साथ मिलके चलना है तो। भाई 65 तो उसने दे दिया क्योंकि उसको इक्वली करना था, बराबर करना था पहले, और अब कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 2.5, तो सबको 2.5 वो दे देगा। तो कितना हो जाएगा, 2.5 × 8 20 kg, तो 65 kg तो उसने यहाँ पे दे दिया और 20 kg उसने 2.5 करके दे दिया, तो उसका जो वजन था वो कितना हो जाएगा आपका, 85 हो जाएगा। ये 85 हो जाएगा, 80 गलत लिख गया यहाँ पे, 85 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, बढ़िया क्वेश्चन था, और नहीं क्लियर हो पाया है तो एक बार आप वीडियो को फिर से पीछे करके देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बोल रहा है कि 8 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 52 kg है, अगर एक 76 kg का व्यक्ति समूह से जुड़ता है तो औसत क्या हो जाएगा। द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 8 पर्सन इज 52 kg, व्हाट वुड बी द एवरेज वेट इफ अ 76 kg पर्सन ज्वाइन द ग्रुप। अब देखिए यार, इतना ईजी सा क्वेश्चन है ना, इसको तो आप लोग ईजिली बना सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा ये, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, होमवर्क चलिए यार मैं करवा ही देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कि आप बीच में छोड़ के चले गए। इसको हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन ये ईजी सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, होमवर्क के लिए लास्ट वाले क्वेश्चन कर देता हूँ मैं। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको, टोटल वेट आपको फाइंड करना होगा, 8 व्यक्ति हैं और एवरेज वेट कितना है, 52, तो 8 × 52 कितना हो गया, 416, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, अगर एक 76 kg का आदमी समूह के साथ जुड़ गया तो 416 में 76 आपको ऐड कर देने कितना हो जाएगा, 492, क्लियर है यहाँ तक। अब टोटल वेट कितना हो गया, 492, तो वो पूछ रहा है कि औसत वजन क्या होगा, टोटल पर्सन कितने हैं, 8 पहले से एक और ऐड हो गया, 9 से डिवाइड कर देंगे इसको, 54.66 kg आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है चीज़। आई होप ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अब गलत नहीं होगा आपका कभी भी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, 7 देखिएगा, 2 सकारात्मक संख्याओं का अनुपात 3:5 है और संख्या का औसत 48 है, तो संख्याओं का अंतर बताइए। ये भी बहुत ज़्यादा टफ तो क्वेश्चन नहीं है, बट चलिए फिर भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 3:5, कोई दो नंबर है जो 3:5 के रेशियो में दिया हुआ है, मान लीजिए कि अगर ये एक्स है तो ये वाई है और 3:5 में है ये। फिर वो बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ द नंबर इज 48, देखिए टोटल नंबर कितने हैं, 2 ही हैं, 2 सकारात्मक संख्या हैं, तो एवरेज कितना है, 48, तो टोटल कितना हो जाएगा, 48 × 2 = 96, तो उन दोनों का सम जो है ना वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम जो है वो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये, तो 3x + 5x, क्योंकि मैंने इसको x और x में मान लिया इनका जो भी रेशियो था, और टोटल 96 अभी आया था हमारे, अभी मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ से 8x = 96, एक्स की वैल्यू आ गई 12, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12। आपसे पूछा गया है डिफरेंस, पूछा है दोनों का, तो 3:5 डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट का, तो 2 को 12 से गुणा कर दो, बस 24 आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 36 आ जाएगा, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 60 आ जाएगा, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो भी कितना आ जाएगा, 24। बट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 1 यूनिट का मतलब 12 आया है, तो 2 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 24 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्लियर है। 7 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ ताकि आपकी भी थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बोल रहा है कि 24 छात्रों के एक समूह की औसत उम्र 32 वर्ष बढ़ जाती है, 32 वर्ष है, जब एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाती है तो औसत 0.8 से बढ़ जाता है, तो शिक्षक की आयु की गणना आपको करनी है। द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 24 स्टूडेंट इज 32 ईयर्स, 24 स्टूडेंट है उनका एवरेज एज जो है वो 32 है। व्हेन द टीचर्स एज इज आल्सो इंक्लूडेड, जब टीचर की एज को इंक्लूड कर दिया जाता है, द एवरेज एज इज इंक्रीज्ड बाय 0.8। अब ये 0.8 से इंक्रीज हो गई, व्हाट इज टीचर्स एज, तो टीचर की एज क्या है, ये 0.8 वर्ष लिख लीजिएगा, इसको ना ईयर कर लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो ईयर कर लीजिएगा, 0.8 ईयर से इंक्रीज हो जाती है, तो आपको बताना है टीचर की एज क्या है। ऑप्शन आपके सामने है 5, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बोल रहा है कि कुछ पुरुषों और महिलाओं, 15 महिलाओं की औसत आयु 18 वर्ष है, 15 महिलाओं की आयु का योग 240 वर्ष है और पुरुषों की आयु 20 वर्ष है, पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए कितने थे। द एवरेज एज ऑफ सम मेल्स एंड फीमेल 15 फीमेल इज 18 ईयर्स, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 15 फीमेल इज 240 ईयर्स एंड द एवरेज एज ऑफ मेल इज 20 ईयर्स, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स। आपके सामने ऑप्शन है, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिए। माँ और उसके 6 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, जिसे 5 वर्ष से घटा दिया जाता है, 5 वर्ष से घटा दिया जाता है यदि माँ की आयु को बाहर रखा जाए, यानी कि एवरेज जो था वो पहले 12 था और अगर माँ को हमने बाहर कर दिया तो वो 5 से कम हो जाता है, यानी कि एवरेज फिर कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो माँ की आयु आपको फाइंड करनी है। द एवरेज एज ऑफ मदर एंड हर 6 चिल्ड्रन इज 12 ईयर्स, विच इज़ रिड्यूस बाय 5 इफ एज ऑफ मदर इज एक्सक्लूडेड, अगर माता की एज को बाहर निकाल दिया जाए तो एवरेज 5 से कम हो जाता है। हाउ ओल्ड इज मदर, तो माँ की उम्र आपको बतानी है। पांचों ऑप्शन आपके सामने है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है। तीनों के तीनों आप लोग आंसर करके बताइएगा, नंबर एट, नंबर 9 और नंबर 10। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिटेल्स मैंने लिखी हुई है। तो फिलहाल का सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।